स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप 5 या 10 सेकंड में कैसे निकाल देते हो। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर रूट में क्या होता है। तो जैसे 1 से 10 तक के स्क्वायर तो आपको याद ही होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का तो मतलब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको तो आ ही जाएगा 10 का। तो यहाँ पे देखिए 1 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है और बीच में आके आ रहा है 5। मतलब क्या हो रहा है, 1 4 9 6 5 और 0, तो मतलब पीछे अगर 0 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके अगर लास्ट की जो नंबर है, लास्ट का जो नंबर है आपको, वो अगर 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 7 8, अगर ये चारों आएगा, अगर ये चारों में से कोई भी नंबर आपको जैसे कि ऐसे दे दे, आपको ऐसा पूछे कि कोई भी कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। मतलब क्या होता है कि ये 1 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि वो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आपको ऐसा पूछे कि कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया, और जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 523, अगर आपको ऐसा पूछे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि वो किसी का भी आप स्क्वायर करोगे तो पीछे क्या आता है, या तो इन पांचों में से ही कोई आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या 6 आएगा, या 5 आएगा। कभी आप किसी भी, जैसे कि हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी पीछे या तो ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा, मतलब 2 3 7 8, इन चारों में से कभी कोई नहीं आएगा, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे अब आपको ऐसे 4 दिया हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो हमको नहीं पता। लेकिन अगर पीछे 2 3 7 और 8, इन चारों में से अगर कोई आएगा तो ये कभी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। अभी अगर पीछे 5 है तो डायरेक्ट आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे ये आपको ट्रिक पता ही होगी, जैसे 45 का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है, तो ये 5 है तो पीछे 25 ही आएगा, इसे आपको लिख देना है, ठीक है। और आगे क्या है, 4 है तो 4 के बाद क्या आता है, 5, तो इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपका 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2025, ठीक है। और एक ले लेते हैं 75 का स्क्वायर, ठीक है, तो 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद क्या आता है, 8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 56, मतलब 5625, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि अभी ये तो 5 का हो गया, ये और क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ पे करना है 23 का स्क्वायर, ठीक है, तो 23 का स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट मतलब हमको 23 × 23 करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसके आजू बाजू कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लिकेशन ईजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 है उससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। तो यहाँ पे हमने 3 घटाया, ठीक है, तो ऊपर 3 बढ़ाना भी पड़ेगा,
जितना घटाना है उतना बढ़ाना है, ठीक है। तो ये दो नंबर आ गए, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या हो गया 26 इंटू मल्टीप्लाई बाई 20, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 26 इंटू 2 52, और 0 का 0 मतलब 520, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्योंकि पीछे अगर 3 है तो 3 में पीछे क्या है 9, तो आपको स्क्वायर ऐड करना है, किसका स्क्वायर ऐड करना है, तो 23 में से आपने कितने घटाए थे 3, और इतने भी बढ़ाए थे, तो यहाँ पे जितने भी आपने नंबर्स घटाए या बढ़ाए हैं उसका स्क्वायर ऐड करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। और एक देखते हैं, सपोज हम ले लेते हैं 51, ठीक है, तो 51 के जो आसपास नंबर है जिसका हमको मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ेगा कौन सा है, 52, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक घटाया तो एक बढ़ाओ, तो यह क्या आ गया 52। अभी क्या करना है 52 इंटू 50, ठीक है। देखो ये भी मतलब बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, आपको नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 52 इंटू 100 क्या होता है, वो तो आपको पता ही है 5200, ठीक है, और 100 का हाफ क्या होता है 50, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई 100 से किया और यहाँ पे हमारे पास था 50, तो डिवाइड बाय 2 मतलब डायरेक्ट क्या आ गया 2600, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है, मतलब 52 इंटू 50 नहीं करना, 52 इंटू 10 करो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी होगा मल्टीप्लिकेशन, 52 इंटू 10 520 हो जाएगा और उसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 260, और ये पीछे लास्ट में एक जीरो तो था ही, ठीक है। तो उसका हमको आंसर क्या मिला 2600। अभी हमने कितना बढ़ाया था एक, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक, मतलब ये क्या आ गया आपका आंसर। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज हम लेते हैं 97, ठीक है, तो 97 के नज़दीक क्या है 100 है, 3 बढ़ाया तो 3 घटाना भी पड़ेगा, प्लस 3 माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 9400, और प्लस में कौन सा आपका स्क्वायर करना है 3 वाला, तो प्लस 9409, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। 97 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9409। अभी स्क्वायर रूट का ट्रिक देखते हैं, कि अगर आपको डायरेक्टली कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब याद रहे हो गया कि इसका क्या क्या था, 1 का 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100, ठीक है। अभी सपोज कोई एक नंबर दिया गया है आपको 1024, इसको आपका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, पहले तो इसको दो नंबर्स में डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, या पहले 10 24 अलग ही लिए, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीछे 4 किस में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आएगा 4, या तो 8 के स्क्वायर में पीछे 4 आएगा, तो यहाँ पे जो लास्ट का नंबर होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इस दोनों में से एक होगा, ठीक है, हमको पता नहीं कौन सा होगा। अभी यहाँ पे ये क्या है 10, तो अभी किसका स्क्वायर इसके नीचे आता है, मतलब इसके जो 10 के नीचे क्या होता है 987, ठीक है। अभी 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, मतलब ये इसको ऊपर चला जाएगा, हमको इसका नीचे का लेना है या इक्वल लेना है, तो 10 मतलब क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा 3, या तो 32 आएगा या 38 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको दो ऑप्शन मिल गई, इन दोनों में से एक आएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि या क्या ये है या ये है,
इन दोनों में से कौन सा है हमको कैसे पता? तो हमको पता है कि 35 का स्क्वायर निकालना तो आपको आता ही है, डायरेक्ट 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 4, ठीक है। तो ये 35 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये नंबर है ये इससे बड़ा या छोटा, तो क्या है लेस देन है, छोटा है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर ये वाला, मतलब 1024 है वो किसका स्क्वायर है, 32 का। और एक देखते हैं, वन थ्री सिक्स नाइन जैसे यहाँ पे हमको दिया गया है, ठीक है, तो इनको दो नंबर्स में डिवाइड करो, इसका लास्ट नंबर क्या है 9, तो 9 किस में आता है, या तो 7 में आएगा या तो 3 में आएगा, ठीक है। आगे क्या है 13, तो 13 के नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है उनका स्क्वायर रूट क्या है, तो वो क्या आ जाएगा 3, मतलब या तो 33 आएगा या तो 37 आ जाएगा। यहाँ पे 4 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 का होता है 16, तो 16 इससे क्या है बड़ा है, इसलिए मैं 4 नहीं ले रहा हूँ, इससे जो छोटी संख्या होगी उसका स्क्वायर रूट ही लेना है, ठीक है। तो या तो 33 आएगा या 37 आएगा, अभी पता कैसे चलेगा, तो आपको पता ही है कि 35 का तो आपको आता ही है, ठीक है। तो ये नंबर है ये इससे क्या है बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 37, ठीक है। और एक देखते हैं, तो वो भी बड़ी संख्या लेते हैं कि उसमें ये ट्रिक अप्लाई होती है कि नहीं, ठीक है। सपोज मैं ले रहा हूँ 6084, ठीक है 6084, तो इनको दो नंबर्स में डिवाइड करो, सिंपल है। पीछे 4 किस में आता है, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा, फिर आगे क्या है 16, ठीक है। तो 16 के जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसके नीचे का कौन सा जो इसका स्क्वायर रूट है 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो या तो 72 आएगा या 78 आएगा, ठीक है, या तो इन दोनों में से एक आएगा। तो अभी कैसे पता चलेगा, सिंपल 75 का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा 56 25, ये आए 75 का स्क्वायर है, तो ये जो नंबर है ये इससे क्या है बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 78, ठीक है। समझ गए क्या करना है, जो भी नंबर्स आपको दिए गए उसको दो नंबर्स में डिवाइड करो, उसका लास्ट का नंबर कौन सा है देखो, फिर यहाँ पे 1 से 10 के स्क्वायर तो आपको याद ही है, तो वो लास्ट नंबर सपोज जैसे आपको पीछे कोई 25 दे दे, इसका स्क्वायर रूट पूछो, सपोज पूछे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 11 × 10 110 होता है, तो हमको क्या लेना है जो छोटी संख्या होगी वही लेना है, क्योंकि हम जब सपोज स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, सपोज 95 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 करते हैं और 9 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो यहाँ पे सपोज उल्टा कर रहे हैं हम, इसलिए 10 ले रहे हैं ना कि 11, ठीक है। तो इसका 9025, तो कैलकुलेशन आपको इजी रखनी है, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कैलकुलेशन इजी होगी, तभी आपको ये ट्रिक आप एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर पाओ।